हेलो बच्चों, चैप्टर का नाम है सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। आज बेटा कोई पेन पेपर पेंसिल कुछ इस्तेमाल नहीं करना है। मैं एक एक एनसीईआरटी की लाइन आपको रिवाइज करवाने वाली हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, इस लेक्चर को एक पॉडकास्ट की तरह आंखें बंद करके सुनना है। फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ लेक्चर बंद करो, एनसीईआरटी खोलो, फटाफट सारी इंपॉर्टेंट लाइन रिवाइज करो, चैप्टर प्रिपेयर्ड, दैट इज माई प्रॉमिस। सो विदाउट डिलेइंग, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सेल चैप्टर में सबसे पहले बेटा आ गया अपना सेल थ्योरी। सेल थ्योरी वाज गिवन बाय लीडन एंड श्वान। लीडन एक बोटानिस्ट थे, श्वान एक जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने बताया था कि धरती पर प्रेजेंट सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से बने हैं या फिर प्रोडक्ट्स ऑफ सेल से बने हैं। फिर इस सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन किया गया और इसको रिलीज किया गया एज मॉडर्न सेल थ्योरी, जिसमें मॉडिफिकेशन था ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, मतलब सारे सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। ऑल सेल्स कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, गिवन बाय रुडोल्फ वर्चाओ। फिर उसके बाद सबसे लार्जेस्ट सेल जो होता है बेटा, दैट इज एग और द फीमेल गैमेट ऑफ ऑस्ट्रिच। लॉन्गेस्ट सेल द न्यूरॉन, द नर्व सेल, एंड द स्मॉलेस्ट लिविंग सेल इज पीपीएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा, दैट इज द बैक्टीरिया। अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोट की बात कर रहे हैं, माने हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। और बैक्टीरिया में सबसे बाहर होता है सेल एनवलप। एनसीईआरटी कहती है ये एक सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट है जिसमें तीन लेयर्स आती हैं। सबसे बाहर ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उसके अंदर सेल वॉल और फिर सबसे अंदर सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले ग्लाइकोकैलिक्स की बात करते हैं। ये म्यूकोपॉलीसेक्राइड की बनी हुई होती है। ये अगर ढीली है तो स्लाइम लेयर कहलाती है और अगर सख्त है तो ये कैप्सूल कहलाती है। ये प्रोटेक्टिव होता है नेचर में और बैक्टीरियल सेल को डिहाइड्रेट होने से भी बचाता है। फिर उसके अंदर आती है सेल वॉल बेटा। बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई होती है पेप्टाइडोग्लाइकैन से, यानी कि पॉलीसेक्राइड और अमाइनो एसिड से। नॉन सेल्यूलोजिक होती है और वो बैरियर की तरह काम करती है बिटवीन द आउटसाइड ऑफ द सेल एंड द इनर पार्ट ऑफ द सेल। फिर आती है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल में हो चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल में हो, सिंगर निकोलसन मॉडल जैसी होती है, जो मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगी। सेल मेम्ब्रेन से रिलेटेड बैक्टीरिया में दो स्ट्रक्चर होते हैं, पहला मीजोजोम, दूसरा क्रोमैटोफोर। मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही अंदर की तरफ धस जाती है, अंदर की तरफ इनवैजिनेट कर जाती है और लैमिली जैसा, वेसिकल जैसा स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको हम मीसोजोम कह देते हैं। मीसोजोम जो होता है उसके साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं, इसीलिए वो रेस्पिरेशन में मदद करता है। बाकी और काम क्या है, बाइनरी फ्यूजन में मदद करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में मदद करता है और डीएनए रेप्लिकेशन में मदद करता है। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ धस जाए, इनवैजिनेट हो जाए और उसके साथ अगर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स जुड़े हुए पाए तो वो क्रोमैटोफोर कहलाता है। अगर धसी हुई प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ रेस्पिरेटरी एंजाइम्स जुड़े हुए हैं तो मीसोजोम, और अगर फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स जुड़े हुए हैं तो क्रोमैटोफोर। क्रोमैटोफोर जो है बेटा वो सिर्फ और सिर्फ फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में देखने को मिलेगा, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और आपका साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के केस में इससे जुड़ा हुआ मिलेगा क्लोरोफिल ए और फाइकोबिलिन्स। ओके, चलिए फिर इसके बाद देखते हैं कुछ सरफेस रिलेटेड स्ट्रक्चर्स ऑन बैक्टीरिया, जिसमें हमारा पहला आ जाता है फ्लैजेला। फ्लैजेला जो है बेटा वो तीन पार्ट्स में हम बांटते हैं, बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट। और इसमें सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट जो होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। ये ध्यान रखना है, अक्सर इसमें मिस्टेक होती है। यूकैरियोटिक फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट होता है, यहां पर नहीं। यहां पर 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, यहां पर फ्लैजेला एक सिंगल धागे से बना हुआ होता है, दैट इज फ्लैजेलिन। फिर दूसरा स्ट्रक्चर सरफेस से रिलेटेड होता है बेटा पिलई। पिलई जो होता है वो नंबर में कम होते हैं और वो हेल्प करते हैं रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, दैट इज कॉन्जुगेशन। फिर आती है हमारी फिम्ब्रई। फिम्ब्रई जो होती है वो ब्रश लाइक स्ट्रक्चर्स होती है ऑन द सरफेस और वो हेल्प करती है अडहेशन में, बैक्टीरिया को सबस्ट्रेटम से या होस्ट सेल से चिपकने में। चलिए फिर चलते हैं बैक्टीरियल सेल के अंदर। बैक्टीरियल सेल में अगर हम एंट्री लेंगे बेटा तो उनके पास होता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जो कि सीधा साइटोप्लाज्म में पड़े रहता है क्योंकि उनके पास न्यूक्लियस नहीं होता और उसके साथ हिस्टोन प्रोटीन्स जुड़े हुए नहीं मिलते, पॉलीअमाइंस जुड़े हुए मिलते हैं और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड। फिर यहां पर इनसाइड द सेल इनके पास होता है राइबोसोम, जो कि 70S टाइप का है। अब एनसीईआरटी में बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। ये है क्या, जब बैक्टीरिया में बेटा प्रोटीन बन रहा होता है तो एमआरएनए से, एक सिंगल एमआरएनए से बहुत सारे राइबोसोम्स जुड़े हुए पाए जाते हैं और इसको हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम और पॉलीजोम। वेरी इंपॉर्टेंट।
फिर बेटा एक बैक्टीरियल सेल के अंदर देखने को मिलती है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती है? इंक्लूजन बॉडीज है बेटा नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, रिजर्व फूड मटेरियल। बैक्टीरिया के अंदर खाना स्टोर इंक्लूजन बॉडीज की फॉर्म में होता है और इनके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे साइनोफाइशन ग्रेन्यूल्स, जैसे फॉस्फेट बॉडीज, जैसे रुबिस्को बॉडीज। और इंक्लूजन बॉडी में ही हमारे आ जाते हैं गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल कोई ट्रू वैक्यूल नहीं है, वो झूठा वैक्यूल है, क्योंकि उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। और गैस वैक्यूल एनसीईआरटी कहती है तीन जगह देखने को मिलता है, साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। तो ये हो गया हमारा एक प्रोकैरियोटिक सेल। एक बार फिर से देख लेते हैं, सेल एनवलप है सबसे बाहर, ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, फिर उसके बाद मेसोसोम, क्रोमैटोफोर, फिम्ब्री, पिलई, फ्लैजेला, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए एट द सेंटर, इंक्लूजन बॉडीज, राइबोसोम एंड पॉलीसोम एंड पॉलीराइबोसोम, ये ध्यान रखना है। अब चलते हैं यूकैरियोटिक सेल पर। यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। अगर होगी तो वो कैसी होगी देखते हैं। एल्गी में सेल वॉल बनी हुई होती है बेटा गैलेक्टिन्स, मैनन्स, कैल्शियम कार्बोनेट और सेल्यूलोज की। फंजाई में सेल वॉल बनी हुई होती है काइटिन की, जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन का पॉलीमर है। फिर प्लांट्स में सेल वॉल के अंदर होता है बेटा सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन्स। अब सेल वॉल भी जो है बेटा वो दो तरह की है एनसीईआरटी के मुताबिक, प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल। जो प्राइमरी वॉल होती है वो यंग प्लांट सेल्स के पास होती है और हमेशा से होती है, और वो सिंथेसिस से बनती है। वो आपकी पेरेन्काइमेटस सेल्स, मेरिस्टमैटिक सेल्स में, पेरेन्काइमेटस सेल्स और मेरिस्टमैटिक सेल्स में सिर्फ प्राइमरी वॉल होती है। लेकिन दूसरे तरह के सेल्स जब वो डिफरेंशिएट होते हैं तो प्राइमरी वॉल के अंदर की तरफ एक और वॉल बन जाती है, जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी वॉल, और वो सिंथेसिस से नहीं, वो एक्यूमुलेशन से बनती है, राइट? तो सेकेंडरी वॉल जो है वो बेटा मेरिस्टमैटिक सेल्स और पेरेन्काइमा सेल्स में सेकेंडरी वॉल नहीं होती। वो कहां देखने को मिलेगी? आपकी स्क्लेरेन्काइमा में, कॉलेनकाइमा में, जाइलम, फ्लोएम, फाइबर्स, इन सब में आपकी सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है। फिर यहां पर एक और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, मिडिल लैमेला। मिडिल लैमेला जो है बेटा, हम उसको दूसरे शब्दों में सीमेंटिंग लेयर भी कहते हैं, जो दो प्लांट सेल को जोड़ती है। दो प्लांट सेल की सेल वॉल के बीच में होती है मिडिल लैमेला, और मिडिल लैमेला आपको पता है कैल्शियम पेक्टेट और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी हुई होती है। दो प्लांट सेल को जोड़ने वाला ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम कहते हैं प्लास्मोडेस्माटा। फिर चलते हैं सेल मेम्ब्रेन पर। पृथ्वी पर प्रेजेंट जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं बेटा, सब में सेल मेम्ब्रेन लगभग एक जैसी सी है, और उसके लिए हम फॉलो करते हैं सिंगर एंड निकोलसन मॉडल, जिसको हम दूसरे शब्दों में फ्लूड मोजेक मॉडल भी कहते हैं। क्या कहता है ये मॉडल? के प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें दो लिपिड की लेयर्स पाई जाती हैं, बाइलिपिड लेयर, और इसी लिपिड लेयर के अंदर प्रोटीन धसे रहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रोटीन अलग लेयर में है और लिपिड अलग लेयर में है, ना, प्रोटीन लिपिड की लेयर में ही प्रोटीन धसे हुए हैं। इसीलिए हम इस मॉडल को क्या कहते हैं? मोजेक। मोजेक मतलब मिश्रण, लिपिड और प्रोटीन का मिश्रण। तो जो बाइलिपिड लेयर है बेटा, बाइलिपिड लेयर है, इसमें जो लिपिड्स हैं उनका जो हेड होता है वो हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक होता है और वो बाहर की तरफ होता है, और जो टेल होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, वो अंदर की तरफ होती है, राइट? और ध्यान रखना बेटा, इस टेल में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, अनसैचुरेटेड नहीं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। ये जो बाइलिपिड लेयर है इसमें मोस्ट कॉमन लिपिड्स जो देखने को मिलते हैं वो फॉस्फोग्लिसराइड्स हैं, फॉस्फोग्लिसराइड्स, और जिनको आप फॉस्फोलिपिड्स भी कहते हैं, और कोलेस्टेरॉल भी देखने को मिलता है। फिर चलते हैं बेटा प्रोटीन पे। प्रोटीन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें दो तरीके के होते हैं, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन जिनको आसानी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, और वो पेरिफेरल होते हैं, बाहर की तरफ चिपके हुए होते हैं। लेकिन अगर वो मेम्ब्रेन के अंदर या तो आधे पार्शली धसे हुए हैं या पूरे धसे हुए हैं तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन है। ऐसे प्रोटीन जो पूरे के पूरे मेम्ब्रेन के अंदर धसे रहते हैं उनको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स कहते हैं, एंड दे आर हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल। हमने फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन देखा था, उनमें ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल में वो हेल्पफुल होते हैं, राइट? ठीक है, अब किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में लिपिड कितना होगा और प्रोटीन कितना होगा ये फिक्स्ड नहीं होता, ये सेल टू सेल वेरी करता है। जैसे एनसीईआरटी में डेटा दिया है रेड ब्लड सेल का, रेड ब्लड सेल में बेटा प्रोटीन होता है 52% और आपका, हाँ, प्रोटीन होता है 52% और आपका लिपिड जो होता है वो होता है 40%, ठीक है, 5 for 5, तो प्रोटीन 52% और लिपिड्स 40%, और ये सेल टू सेल वेरी करता है, ठीक।
अब बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना बेटा, जो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें जो लिपिड्स है वो लिपिड्स ऐसा लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं, ऐसा लेटरल या फिर वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी दिखा सकते हैं। और इस मेम्ब्रेन में जो ये लिपिड है ये फ्लूड नेचर दिखा रहे हैं। फ्लूड नेचर मतलब एक जगह फिक्स्ड नहीं है, रिजिड नहीं है। ये लिपिड जो है या तो वो लेटरल मूवमेंट दिखा सकते हैं या वो फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट दिखा सकते हैं। इसीलिए बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूड जैसा नेचर रखती है, इसीलिए इसका नाम है फ्लूड मोजेक मॉडल। और लिपिड क्योंकि इस तरह का मूवमेंट दिखाते हैं इसीलिए जो उनमें धसे हुए प्रोटीन है वो भी लेटरल मूवमेंट दिखाते हैं। लेकिन ध्यान रखना है कि प्रोटीन फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट नहीं दिखाएंगे, सिर्फ लेटरल मूवमेंट दिखाएंगे। अब क्योंकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फ्लूड जैसा नेचर रखती है उसके चलते बहुत सारी हेल्प हो जाती है, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस ट्रांसपोर्ट इजी हो जाता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, पैसिव ट्रांसपोर्ट, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये बहुत आसान हो जाता है, सेल डिवीजन, सेल ग्रोथ, ये आसान हो जाती है। ओके चलिए फिर इसके बाद बेटा चलते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पर। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम चार सेल ऑर्गनलीज का ऐसा सिस्टम है जो आपस में फंक्शनली और स्ट्रक्चरली जुड़ी हुई हैं। इसमें कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और वैक्यूल। सबसे पहले बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। ये ऐसी सेल ऑर्गनली है जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन से शुरू हो जाती है। इट इज कंटिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये पूरे सेल के स्पेस को दो भागों में बांट देती है, ल्यूमिनल और एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। इस सेल ऑर्गनली के अंदर का जो स्पेस होता है वो ल्यूमिनल स्पेस होता है और जो बाहर का स्पेस होता है वो एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फर्दर दो तरह का होता है, आरईआर और एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है बेटा उसमें जो सिस्टर्नी होती है उनके साथ जुड़ा हुआ पाया जाता है राइबोसोम, लेकिन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में सिस्टर्नी नहीं, टिब्यूल्स पाई जाती हैं और इन टिब्यूल्स के साथ राइबोसोम जुड़ा हुआ नहीं होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करना और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प करता है इन द सिंथेसिस ऑफ फैट, लिपिड्स, स्टेरॉइडल हॉर्मोन्स और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है एसईआर का, दैट इज डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। हम जो उल्टी पुल्टी चीजें खाते हैं उनको डिटॉक्सिफाई करने का काम एसईआर का होता है। फिर चलते हैं गोल्जी बॉडी के पास। गोल्जी बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गनली है क्योंकि वो पैकेजिंग में मदद करती है। सबसे पहले उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। गोल्जी बॉडी के पास भी होती है बेटा सिस्टर्नी, बोरे जैसे स्ट्रक्चर, जो उसका कॉन्वेक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो उसका कॉन्वेक्स फेस होता है जिसको हम सिस फेस भी कहते हैं, दैट इज द फॉर्मिंग फेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स फेस कह लो चाहे सिस फेस कह लो चाहे फॉर्मिंग फेस कह लो, वो किधर की तरफ होता है? वो न्यूक्लियस की तरफ होता है। और जो सिस्टर्नी का दूसरा मुंह होता है, दूसरा फेस जो होता है, उसको हम ट्रांस फेस या कॉनकेव फेस या मैच्योरेशन फेस कहते हैं, जो न्यूक्लियस से दूरी पर होता है। अब ध्यान से सुनना, जो सिस फेस होता है सिस्टर्नी का, जो सिस फेस होता है उसका काम होता है गोल्जी, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल को रिसीव करना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बेटा प्रोटीन बनाया या फिर लिपिड बनाया या फिर फैट बनाया और उसने उसे पैक, वेसिकल में पैक करके किसको भेज दिया? गोल्जी बॉडी को भेज दिया कि इसमें जो भी कुछ बदलाव करने हैं आप कर लो। तो ऐसे वेसिकल्स को हम कहते हैं ट्रांजिशन वेसिकल्स। एनसीईआरटी की लाइन है तो पूछेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रहे जो वेसिकल्स हैं जिनके अंदर प्रोटीन, लिपिड, फैट है, उनको गोल्जी बॉडी का कौन सा फेस रिसीव करता है? तो आप बोलोगे सिस फेस या कॉन्वेक्स फेस। फिर वो वेसिकल सिस फेस के साथ फ्यूज हो जाती है और सिस्टर्नी के अंदर डाल दिए जाते हैं प्रोटीन, लिपिड और फैट। उनके साथ बहुत सारे बदलाव किए जाते हैं, जैसे प्रोटीन्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर ग्लाइकोप्रोटीन्स बना दिए जाते हैं और लिपिड्स के साथ कार्बोहाइड्रेट को जोड़कर ग्लाइकोलिपिड्स बना दिए जाते हैं, यानी कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स गोल्जी बॉडी में बनते हैं, जिसको हम ग्लाइकोसाइलेशन या ग्लाइकोसाइडेशन कह देते हैं। फिर यहां से बेटा क्या होता है, जो बदलाव हो गए, फिर जो ट्रांसफेज होती है सिस्टर्नी की, उससे नए वेसिकल बनते हैं और वो वेसिकल ये बदले हुए प्रोटीन्स और बदले हुए फैट्स को लेकर जाता है, या तो सेल के अंदर ही इस्तेमाल हो जाते हैं वो इंट्रासेलुलर टारगेट, या फिर उन्हें सेल के बाहर भेज दिया जाता है एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट। यानी गोल्जी बॉडी का काम क्या है बेटा, चीजों को पैकेज करना, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का काम है, और पैकेज करके या तो इंट्रासेलुलर टारगेट पे भेजना या एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट पे भेजना।
ओके चलिए फिर उसके बाद हमारे आते हैं लाइसोजोम्स। जो गोल्जी बॉडी है बेटा, गोल्जी बॉडी ही कुछ वेसिकल जैसे स्ट्रक्चर बनाती है और वही वेसिकल जो है स्पेशलाइज होके लाइसोजोम्स बन जाते हैं। ये जो लाइसोजोम्स होते हैं इनके अंदर होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, मतलब जो किसी को तोड़ दें, जैसे डीएनएज, आरएनएज, प्रोटीएज, लाइपेज, अमाइलेज, ये सारे एंजाइम्स। और खास बात ये है बेटा कि ये सारे के सारे एंजाइम्स सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच पर काम करते हैं, यानी कि लाइसोजोम्स के अंदर एसिडिक पीएच मेंटेन किया जाता है। फिर आते हैं हमारे वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बेटा मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि तीन तरह के होते हैं, सैप वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल। सैप वैक्यूल आपको देखने को मिलता है प्लांट्स के केस में, जिसके अंदर भरा रहता है वैक्यूलर सैप, और इस वैक्यूलर सैप में होता है बहुत कुछ, वाटर, मिनरल, आयन, राइट। एंड दिस वैक्यूल कवर्स 90% स्पेस इन द प्लांट सेल, और यही वैक्यूलर सैप प्लांट सेल के ऑस्मोटिक पोटेंशियल को तय करने में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फिर एनसीईआरटी कहती है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिलता है अमीबा में, जो कि किडनी की तरह ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, और फूड वैक्यूल देखने को मिलता है प्रोटिस्टा के मेंबर्स में। ओके, दिस इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। फिर चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों सेल ऑर्गनली के बारे में मैं कुछ स्पेशल पॉइंट्स बताऊंगी जो दोनों के लिए लागू हैं, ध्यान से सुनना। इस पर लागू होता है एंडोसिम्बायटिक थ्योरी, जो ये कहती है कि ये दोनों की दोनों सेल ऑर्गनली कभी बैक्टीरियल सेल ही थी, कभी प्रोकैरियोटिक सेल ही थी, इसीलिए इनके काफी सारे फीचर्स बैक्टीरियल सेल जैसे हैं। जैसे ध्यान से सुनते जाना, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के दोनों डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गनली हैं, दो मेम्ब्रेन है इनके पास। फिर उसके बाद दोनों की आउटर मेम्ब्रेन में होते हैं पोरिंस, जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में हेल्प करते हैं। दोनों के पास होते हैं अपना खुद का डीएनए, जो कि कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए। दोनों के पास खुद के राइबोसोम होते हैं 70S टाइप, खुद के आरएनए होता है, खुद के प्रोटीन्स होते हैं, और ये ऐसे डिवाइड करते हैं जैसे बैक्टीरिया डिवाइड करता है, यानी कि दोनों के दोनों बाइनरी फिजन से डिवाइड करते हैं। ये कॉमन पॉइंट्स हो गए बिटवीन माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड। अब चलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया काफी बड़ी सेल ऑर्गनली है, उसकी डायमेंशन एनसीईआरटी में दे रखी है, आप याद करोगे, लेकिन उसको हम आसानी से माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, उसको पर्टिकुलर स्टेन को स्टेन करके ही देखना पड़ेगा, दैट इज जैनस ग्रीन। माइटोकॉन्ड्रिया में जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है बेटा, वो ज्यादा परमिएबल होती है एज कम्पेयर टू द इनर मेम्ब्रेन, और बाहर वाली मेम्ब्रेन में क्या है, लार्ज साइज प्रोटीन्स, जिनको हम पोरिंस कहते हैं। फिर ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें सेंटर पर आपको अच्छे से पता है क्या हो गया, आपका डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट हो गया। आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्रेब्स साइकिल में हेल्पफुल होते हैं और लिंक रिएक्शन में हेल्पफुल होते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें इनफोल्डिंग्स होती हैं जिसको क्रिस्टी कहते हैं, और उससे जुड़े हुए पाए जाते हैं ऐसे एंजाइम्स जो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हेल्प करते हैं। फिर चलते हैं बेटा टू प्लास्टिड। प्लास्टिड भी डबल मेम्ब्रेन जो है ऑर्गनली है, जिसको हम तीन भागों में बांटते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता, उनका काम स्टोरेज का होता है। अगर वो फैट स्टोर कर रहा है तो इलियोप्लास्ट, अगर वो स्टार्च स्टोर कर रहा है तो अमाइलोप्लास्ट, और अगर वो प्रोटीन स्टोर कर रहा है तो एल्यूरोप्लास्ट। फिर आते हैं हमारे क्रोमोप्लास्ट, ये कलर्ड होते हैं, इनमें जेंथोफिल्स और कैरोटीनॉइड्स होते हैं, जिसकी वजह से रेड या फिर ऑरेंज कलर आता है, टमाटर का जो कलर है वो रेड होता है बिकॉज ऑफ द क्रोमोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट आपको सबको पता ही है, ऐसा प्लास्टिड जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसके पास फोटोसिंथेटिक एंजाइम्स होते हैं, थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर बैठे होते हैं फोटोसिस्टम्स, जो कि क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स का कलेक्शन होते हैं। थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पर होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और थाइला जो आपका क्लोरोप्लास्ट है उसके स्ट्रोमा में होती है डार्क रिएक्शन, जहां पर होता है रुबिस्को एंजाइम। अब ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी कहती है कि क्लोरोप्लास्ट का नंबर पर सेल कितना होगा ये वेरी करता है। क्लेमाइडोमोनास, जो कि एक यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी है, उसमें एक सेल में एक ही क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन पत्ती के अंदर जो मेसोफिल सेल्स देखने को मिलते हैं उनमें एक सेल के अंदर 20 से 40 क्लोरोप्लास्ट भी हो सकते हैं। ओके बेटा, सो दिस इज अबाउट The प्लास्टिड्स। फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गनली, दैट इज राइबोसोम। राइबोसोम जो होती हैं वो कौन बनाता है, राइबोसोमल आरएनए। राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन मिलकर राइबोसोम को फॉर्म करते हैं, जिसको साइज हम नापते हैं स्वेडबर्ग यूनिट में, या सेडिमेंटेशन कॉफिशियंट उसको हम कह देते हैं, जो प्रोकैरियोट्स में 70S होता है, यूकैरियोट्स में 80S होता है, राइट। 70S को हम बांट देते हैं 50-30 में, और 80S को हम बांट देते हैं 60-40 में।
ओके चलिए, फिर राइबोसोम के बाद हमारा आ जाता है बेटा माइक्रो, ये साइटोस्केलेटन। साइटोस्केलेटन ऐसे छोटे छोटे धागे हैं, ऐसे छोटे छोटे प्रोटीन के धागे हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले रहते हैं और हेल्प करते हैं सेल को मोटाइल होने में, मोटिलिटी में, सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं। और ये कई तरीके के होते हैं, तीन तरीके के होते हैं, माइक्रोफिलामेंट, माइक्रोटिब्यूल और इंटरमीडिएट फिलामेंट। स्पेसिफिकली जो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं बेटा, यही आगे जाके स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में भी हेल्प करते हैं, सेंट्रियोल्स को बनाने में भी हेल्प करते हैं और इस तरह सेल डिवीजन और सेल मोटिलिटी में हेल्प करते हैं और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी सपोर्ट देते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गनली, दैट इज सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम एक ऐसी सेल ऑर्गनली आप कह सकते हो बेटा जो सिर्फ एनिमल्स में देखने को मिलती है, और ये जो है ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड है तो सेल ऑर्गनली, पर इसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है। ऐसे ही जो हमारी राइबोसोम है बेटा, वो भी नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गनली है। अब सेंट्रोसोम जो है वो मिलकर बना हुआ होता है दो सेंट्रियोल से, एक सेंट्रियोल ये, दूसरा सेंट्रियोल ये, दो सेंट्रियोल परपेंडिकुलरली अरेंज्ड हो जाते हैं और इस जोड़े को हम कहते हैं डिप्लोसोम। और इस जोड़े के चारों तरफ स्पेशल साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं काइनोप्लाज्म, और इस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेंट्रोसोम, जिसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं है, जनरली एनिमल सेल में देखने को मिलता है। अगर हम एक सिंगल सेंट्रियोल को उठा लें और उसका सेक्शन काट के उसको झांक के देखें तो हमें उसमें दिखाई देता है 9+0 अरेंजमेंट। 9+0 अरेंजमेंट का मतलब होता है बेटा कि पेरीफेरी पर दो माइक्रोटिब्यूल्स होते हैं, दो माइक्रोटिब्यूल, दो तो कितने जोड़े हो गए, 9 ट्रिपलेट्स हो गए, तीन माइक्रोटिब्यूल्स, राइट। सो 9 ट्रिपलेट्स ऑफ माइक्रोटिब्यूल्स अरेंज्ड एट द पेरीफेरी, तो टोटल माइक्रोटिब्यूल्स कितने हो गए, 9 × 3 = 27, लेकिन सेंटर पर कोई माइक्रोटिब्यूल नहीं होता। और एक ट्रिपलेट बेटा दूसरे ट्रिपलेट से लिंकर की मदद से जुड़ा रहता है। सेंट्रियोल का काम आप सब लोग जानते हो, बेसल बॉडी जो होती है उस बेसल बॉडीज आर फॉर्म्ड बाय सेंट्रियोल्स, फिर यही सेंट्रियोल आगे जाके सीलिया और फ्लैजेला बनाते हैं और यही सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। फिर चलते हैं बेटा सीलिया और फ्लैजेला पर। सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है, बस फर्क होता है कि सीलिया जो होता है वो सेल के ऊपर नंबर में ज्यादा होता है और फ्लैजेला नंबर में कम होता है, 2, 4, 5, लेकिन सीलिया बहुत सारे भी हो सकते हैं। सीलिया साइज में छोटा होता है, फ्लैजेला साइज में बड़ा होता है। सीलिया सेल को भी मूव करा सकता है या मीडियम को भी मूव करा सकता है, जैसे नाव का चप्पू, लाइक ओर्स, लेकिन फ्लैजेला हमेशा मीडियम को ही मूव कराता है। जो आपका सीलिया होता है वो फीडिंग में भी हेल्प कर सकता है, लेकिन फ्लैजेला सिर्फ और सिर्फ लोकोमोशन में हेल्प करता है। ये फर्क को छोड़कर सीलिया और फ्लैजेला का स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम होता है। अगर हम उसका सेक्शन काट के झांक के देखें तो वहां पर हमें देखने को मिलता है 9+2 अरेंजमेंट, जिसका मतलब है कि पेरीफेरी पर बेटा ध्यान से सुनना, अगर मैं सेक्शन काटूंगी फ्लैजेला या सीलिया का तो मुझे सबसे बाहर दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे बाहर दिखाई देगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है उसे हम बोलते हैं कोर ऑफ फ्लैजेला या कोर ऑफ सीलिया, जिसको हम दूसरे शब्दों में एक्सोनीम भी कहते हैं, एक्सोनीम, ठीक। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो कुछ भी है वो एक्सोनीम है, कोर है। उसमें क्या क्या होता है, उसमें बेटा पेरीफेरी पर 9 डबलेट होते हैं, 9 डबलेट, 2, 2, 2 माइक्रोटिब्यूल्स के, और 2 माइक्रोटिब्यूल होते हैं सेंटर पे, तो इसको बोलते हैं 9+2 अरेंजमेंट। वो जो डबलेट्स है पेरीफेरी पर वो आपस में लिंकर से जुड़े रहते हैं और सेंटर से निकल के आते हैं रेडियल स्पोक्स, जिनकी मदद से जो सेंटर वाले माइक्रोटिब्यूल्स हैं वो बाहर वाले पेरिफेरल वाले पोर्शन से भी जुड़े रहते हैं। तो यहां पर है 9+2 अरेंजमेंट। प्रोकैरियोटिक फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट नहीं होता, यूकैरियोटिक फ्लैजेला में 9+2 अरेंजमेंट होता है। और एक बात और बेटा, जो अपने सेंट्रियोल होते हैं वहां पर मैंने आपको बताया कि पेरीफेरी पर 3-3 ट्रिपलेट होते हैं माइक्रोटिब्यूल के, है ना, सेंटर पर नहीं होता माइक्रोटिब्यूल, सेंटर पर प्रोटीनेशियस हब होता है जिससे रेडियल स्पोक्स निकल के आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कोई पहिया हो, तो कार्ट व्हील अपीयरेंस कौन दिखाता है, सेंट्रियोल,
ओके चलो फिर चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली ऑफ द सेल एंड दैट इज न्यूक्लियस. न्यूक्लियस को कभी भी बेटा आप एक डिवाइडिंग सेल में नहीं देख सकते. न्यूक्लियस को देखने के लिए आपको एक रेस्टिंग सेल में जाना पड़ेगा, यानी कि जब सेल अपने इंटरफेज में है. न्यूक्लियस के अंदर जो देखने को मिलता है उसको हम क्रोमैटिन कहते हैं, जो बताया था फ्लेमिंग ने, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो मटीरियल होता है उसे हम बेसिक डाइज की मदद से जो है डाई कर सकते हैं. फिर न्यूक्लियस जो होता है उसके स्ट्रक्चर पर जाए तो बेटा न्यूक्लियस के पास भी दो मेम्ब्रेन होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन. कहीं कहीं जगह जगह पर वो आपस में फ्यूज हो जाती हैं, और जहां जहां वो आपस में फ्यूज हो जाती है वहां पर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियर पोर्स. और इन्हीं न्यूक्लियर पोर्स की मदद से जो न्यूक्लियस के अंदर और साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में कंटिन्यूटी बनी रहती है, आरएनए प्रोटीन्स इन सब चीजों का आदान प्रदान होता है. फिर बेटा आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस होता है उसे हम बोलते हैं पेरीन्यूक्लियर स्पेस, जो कि एक बैरियर की तरह एक्ट करता है बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. फिर न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड भरे रहता है बेटा उसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और उस न्यूक्लियोप्लाज्म में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पड़ी रहती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस. अब इसके बारे में बहुत ध्यान से सुनना, नीट का फेवरेट है. न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, उसके चारों तरफ कोई मेम्ब्रेन नहीं होती है, वो न्यूक्लियोप्लाज्म से कंटिन्यूअस होता है. अब न्यूक्लियोलस वाकई में है क्या? बेटा न्यूक्लियोलस जो है वो कुछ नहीं है, वो डीएनए है. आप जानते हो कि 13, 14, 15, 21, 22 ये पांच जोड़े सैटेलाइट क्रोमोसोम्स होते हैं जिनपे सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होती है. वो सारे के सारे सैटेलाइट क्रोमोसोम जब अरेंज हो जाएं तो वो जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन वाला एरिया होता है ना वही मिलकर न्यूक्लियोलस बनाता है. यानी कि न्यूक्लियोलस और कुछ नहीं है, न्यूक्लियोलस वो स्पेशल डीएनए है जिसके ऊपर बेटा ट्रांसक्रिप्शन होकर आरआरएनए बनता है. तो न्यूक्लियोलस कोई मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर नहीं है, वो तो डीएनए ही है जिसके ऊपर ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद राइबोसोमल आरएनए बनेगा बेटा. इसीलिए क्वेश्चन बहुत फेमस है, विच इज द एक्टिव आरआरएनए साइट इन सेल. कौन सी ऐसी जगह है सेल में जहां पे आरआरएनए भर भर के बनाया जाता है? तो आप बोलोगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस वो जगह है. और जिन सेल में ज्यादा प्रोटीन बनता है उनमें बहुत सारे न्यूक्लियोलाई होते हैं. क्लियर? चलिए फिर इसके बाद चलते हैं क्रोमोसोम्स पर. क्रोमोसोम्स को बेटा आप रेस्टिंग सेल में नहीं देख सकते. जब क्रोमोसोम को आप बेस्ट देख सकते हो मेटाफेज पर, जब वो फुली कंडेंस होता है. और अगर मैं फुली कंडेंस्ड डीएनए की बात करूं जो कि क्रोमोसोम है, तो बेटा उसके पास सेंट्रोमियर होता है जो कि क्रोमैटिड्स को जोड़कर रखता है, काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर जो कि सेंट्रोमियर के चारों तरफ प्रोटीनेशियस डिस्क होती है जिससे स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं. ओके अब ये जो क्रोमोसोम है इसमें क्या क्या देखने को मिलता है? क्रोमोसोम में डीएनए होता है, आरएनए होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं, और ट्रेसेस होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम के. अब जो सेंट्रोमियर, जिसको हम दूसरे शब्दों में प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं, उसकी पोजीशन क्या होगी, इसके बेसिस पे हम क्रोमोसोम्स को कई भागों में बांट देते हैं. दैट इज मेटासेंट्रिक, अगर बिल्कुल बीचों बीच है, ऊपर की जो आर्म है नीचे की आर्म है बिल्कुल बराबर है. सब मेटासेंट्रिक, अगर थोड़ा सा शिफ्ट हो गया है, ऊपर की थोड़ी छोटी है नीचे की थोड़ी बड़ी है. फिर आपका आ जाता है एक्रोसेंट्रिक, जब ऊपर वाला आर्म काफ़ी छोटा हो जाता है, नीचे वाला आर्म काफ़ी बड़ा हो जाता है. और फिर टीलोसेंट्रिक, जब आपका जो सेंट्रोमियर है वो बिल्कुल टर्मिनल पॉइंट पर पहुँच चुका है. ओके चलिए फिर इसके बाद चलते हैं बेटा, क्रोमोसोम की बात हमने कर ली, अब इसके बाद चलते हैं कुछ स्पेशल क्रोमोसोम्स के पास जिनको हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम्स. जो बाकी के हमारे क्रोमोसोम्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम प्राइमरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, जिसको हम दूसरे शब्दों में सेंट्रोमियर भी कहते हैं. वो सेंट्रोमियर बेटा हेट्रोक्रोमैटिक होता है. हेट्रोक्रोमैटिक मतलब डेंसली पैक्ड डीएनए जिस पर ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन नहीं हो सकता. लेकिन कुछ ऐसे स्पेशल क्रोमोसोम्स होते हैं जिनके पास प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के साथ साथ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है. और ये जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है बेटा, इसके पार जो क्रोमोसोम का पोर्शन होता है उसको हम सैटेलाइट कहते हैं. इसीलिए हम सैटेलाइट क्रोमोसोम्स इनको कहते हैं, या मार्कर क्रोमोसोम्स कहते हैं, जो कि 13, 14, 15, 21 और 22 है. अब ध्यान से सुनना बेटा, जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है ये नॉन स्टेनिंग होती है, नॉन स्टेनिंग. जो प्राइमरी कंस्ट्रक्शन सेंट्रोमियर है वो तो डार्कली स्टेन्ड है क्योंकि वो हेट्रोक्रोमैटिन है, लेकिन जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होती है वो नॉन स्टेनिंग पार्ट है क्योंकि वो एक्सप्रेसिबल होता है, वो यूक्रोमैटिक होता है. ओके अब ध्यान से सुनना, जो पॉइंट बोलूंगी वो बहुत इंपॉर्टेंट है. जो सैटेलाइट क्रोमोसोम्स में जो ये सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है बेटा, यही सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन को हम कहते हैं नॉर, एन
NOOR, फुल फॉर्म है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन. अभी बताया था ना कि ऐसे स्पेशल क्रोमोसोम्स जिनके पास सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वो ऑर्गेनाइज होकर ही तो न्यूक्लियोलस बनाते हैं, और न्यूक्लियोलस और कुछ ना, डीएनए तो है जिसके ऊपर आरआरएनए बनना है. तो ध्यान रखना, सैटेलाइट क्रोमोसोम्स में जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है वही कहलाते हैं नॉर, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर रीजन, जो आगे जाके न्यूक्लियोलस बनाएंगे. फिर उसके बाद हमारी आती है बेटा माइक्रोबॉडीज. ये ऐसी छोटी छोटी वेसिकल जैसी सेल ऑर्गेनलीज हैं जिनके पास सिंगल मेम्ब्रेन होती है और जिनके अंदर भर भर के एंजाइम्स होते हैं. वो प्लांट्स में भी देखने को मिल सकती है, एनिमल्स में भी देखने को मिल सकती है, जैसे स्टेरोसोम्स, पेरोक्सिसोम्स और ग्लायोक्सिसोम्स. एनसीईआरटी का कोई लाइन, कोई वर्ड नहीं छूटा. इसको पॉडकास्ट की तरह सुन लेना, लेक्चर तुरंत बंद करके एनसीईआरटी रीड कर लेना, चैप्टर प्रिपेयर्ड. ओके, बाय, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल.